मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो। स्वप्न रोगी तेजस्वी यादव, ये बिहार है, आपके पिताजी की कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं। ये बातें जदयू एमएलसी नीरज कुमार की तरफ से कही गई हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार आजकल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हर चाल पर अपनी नजर टिकाए हुए हैं। तभी तो बीते ही दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बातें कही कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, अगर वो थक चुके हैं तो मुझे यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूँ। अब इस पर नीरज कुमार की तरफ से ट्वीट किया गया है, ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो, अरे स्वप्न रोगी तेजस्वी यादव, ये बिहार है, आपके बाबूजी की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं, जो जब सपना आए कुछ भी बन जाओ, घर में सोते सोते बौरा गए हैं क्या जी, हैशटैग स्वप्न रोग। तो सीधा सीधा नीरज कुमार का निशाना आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की तरफ भी है, क्योंकि सीधे तौर पर उनका कहना है कि तेजस्वी यादव ये बिहार है, ये आपके लालू प्रसाद यादव की पार्टी नहीं है, जो आपको जब मन में आए कुछ भी बना दिया जाएगा, दिन में सपना देखते देखते क्या बोरा चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने हैशटैग में लिखा स्वप्न रोग। गौरतलब हो कि तेजस्वी यादव ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए, साथ ही साथ बिहार सरकार और केंद्र सरकार का घेराव किया और कहा कि 18 और 19 जुलाई को पूरे बिहार में आरजेडी और महागठबंधन के तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। 18 जुलाई को जहां पर प्रखंड पर आरजेडी आंदोलन करने जा रही है, वहीं 19 जुलाई को जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन आरजेडी की तरफ से किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस समय पूरे महागठबंधन को हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है, उससे आम जनता त्रस्त है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने मोदी सरकार को भी निशाना बनाया और कहा कि वो तो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं, अच्छे दिन पे लोगों को सिर्फ देखने को मिल रहा है तो महंगाई। आपको बताएं कि ये बीते दिनों की बात है जब उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को भी लेटर लिखा, लेटर इस बात के लिए क्योंकि जिस तरीके से 23 मार्च जब बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा था, उस दौरान बिहार पुलिस को सदन में एंट्री मिली और विपक्षी विधायकों के ऊपर बिहार पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई, इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से विजय सिन्हा को बोला है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसके दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के तरफ से जहां एक तरफ बीते दिन बड़ा ऐलान किया गया और कहा गया कि 18 और 19 जुलाई को पूरे बिहार में महागठबंधन की तरफ से विरोध प्रदर्शन निकाला जाएगा सरकार के खिलाफ, तो वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, जो कि वो अक्सर ये बातें कहते रहते हैं। अब इसी बात को लेकर के नीरज कुमार ने उन पर निशाना साधा है और कहा है कि दिन में सपने ना देखें। आपको हम बता दें कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में मौजूद नहीं थे, दिल्ली में थे, उस दरमियान में उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं, हार चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, इसलिए मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मैं बिहार को संभाल लूंगा। तो इस पर भी उस समय भी एनडीए के घटक दल यानी हम के तरफ से बयान सामने आया था और हम और बाकी सारे सत्ता पक्ष नेताओं की तरफ से ये कहा गया था कि तेजस्वी यादव को दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि मेहनत अगर वो दिल्ली में करेंगे तो मुख्यमंत्री बिहार में कैसे बन जाएंगे। एक बार फिर से नीरज कुमार की तरफ से तेजस्वी यादव को याद दिलाया गया है कि दिन में सपने आप नहीं देखें, क्योंकि आपका जब भी जो मन में आएगा आप बिहार में नहीं बन सकते हैं। देखना होगा कि आरजेडी के तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।